बड़ी खबर, जयपुर में हुए राजपूत नेता की हत्या की। कल देर रात परिवार के साथ स्थानीय प्रशासन के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के बाद परिवार राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अंतिम संस्कार को राजी हो गया है। लेकिन हत्या के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने गोगामेड़ी के परिवार को 72 घंटे के अंदर हमलावरों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस वालों पर एक्शन भी लिया गया है। गोगामेड़ी का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया है, जहां आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच हत्याकांड को लेकर गोगामेड़ी की पत्नी ने UAPA के तहत केस दर्ज कराया है। FIR में अशोक गहलोत के साथ ही राजस्थान के DGP का भी जिक्र है। आरोप है कि खुफिया इनपुट होने के बाद भी गोगामेड़ी को सिक्योरिटी नहीं दी गई। मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या उनके घर में घुसकर कर दी गई थी, जिसके बाद गोगामेड़ी के समर्थकों ने कल जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में हंगामा किया, सड़क जाम करके प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट राजस्थान के कई और शहरों में भी किया गया। इसके अलावा भोपाल, इंदौर में भी प्रदर्शन हुआ। अब आज गोगामेड़ी के अंतिम संस्कार किए जाएंगे, जिसे लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट पर है। सुखदेव सिंह की हत्या से भड़का राजपूतों का गुस्सा। राजस्थान के शहर प्रोटेस्ट, शूटर कब होंगे अरेस्ट? सवालों के घेरे में गहलोत सरकार, फैमिली ने कराई FIR। कौन से गैंग हैं? कहां से आगे गैंग? क्या अशोक गहलोत ने इन लोगों को संरक्षण दिया हुआ है? क्या कारण क्या है? राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा से लेकर बीकानेर तक गोगामेड़ी समर्थकों ने बुधवार को सड़क जाम की, आगजनी की और आरोपियों को सख्त सजा की मांग की। राजस्थान के बाहर भी राजपूत करणी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया। भोपाल और इंदौर में गोगामेड़ी के हथियारों के लिए फांसी की मांग वाला बैनर लेकर समर्थक प्रोटेस्ट करते दिखे। अब गोगामेड़ी हत्याकांड में सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि धरने पर बैठी गोगामेड़ी की पत्नी और उनके सपोर्टर को जयपुर पुलिस ने 72 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही गोगामेड़ी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर भी एक्शन लिया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में श्यामनगर थाने के SHO मनीष गुप्ता और बीट कांस्टेबल महेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के इसी एक्शन के बाद गोगामेड़ी का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। फिलहाल गोगामेड़ी का पार्थिव शरीर उनके घर पर है, जहां आज दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थाना अधिकारी श्यामनगर व थाने के बीट के प्रभारी व बीट कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों की जीत। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया। अपने पति के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रही शीला शेखावत ने श्यामनगर थाने में UAPA के तहत केस दर्ज कराया है। FIR में राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और DGP का भी जिक्र है। FIR में पंजाब पुलिस और ATS के इनपुट के बाद भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा नहीं दिए जाने को उनकी हत्या की वजह बताई। साथ ही परिवार ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा देने में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन की मांग की है, जिसे पूरा कर दिया गया है। इनके अलावा FIR में गोगामेड़ी के परिवार को सुरक्षा की मांग के साथ साथ हत्याकांड की जांच NIA से कराने की भी मांग की गई है। NIA की जांच जिसके लिए गवर्नर ने और केंद्रीय गृह मंत्री की बात होके और उसकी अनुशंसा हो गई, और इसके अंदर जो जुडिशियल सिक्योरिटी इंक्वायरी थी वो सहमति हो गई। इसके अलावा सिक्योरिटी है, परिवार की एविडेंस की सिक्योरिटी है, और जो इसके अंदर
जितनी भी इनकी मांगे थी मुआवजे की सारी बातें मान ली। अब यहाँ से धरना खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। स्थगित है आंदोलन, आंदोलन स्थगित है। अब इनके जो पोस्टमार्टम होने के बाद आंदोलन स्थगित है, हथियार म्यान में नहीं रखी, तलवार भी तलवार बारी है। इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, जिसके बाद केंद्र ने 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां राजस्थान भेजने का फैसला किया है। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में राजस्थान पुलिस ने अपने सुपर कॉप्स को मैदान में उतारा है। गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाली टीम को गोगामेडी हत्याकांड की जांच सौंपी गई है। इस जांच टीम में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, आईपीएस करण शर्मा, एएसपी विद्या प्रकाश, पूर्व आरपीएस संजीव भटनागर और हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को एसआईटी में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों शूटरों की पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में गोगामेडी पर फायरिंग करते दिख रहे एक आरोपी का नाम रोहित राठौड़ है। रोहित के खिलाफ नाबालिग से रेप का केस भी दर्ज है। वो कई साल से जेल में था, 3 साल पहले ही जमानत पर छूटा था। वो आर्म्स एक्ट में भी गिरफ्तार हो चुका है। रोहित का परिवार मकराना का रहने वाला है। तो दूसरा आरोपी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी है। नितिन फौजी 5 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था और वो अलवर में ड्यूटी पर तैनात था, जहां से वो नवंबर में छुट्टी पर घर गया था, लेकिन वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। उसकी शादी जाट बहरोड राजस्थान में हुई है। इधर 10 महीने पहले पंजाब पुलिस की खुफिया अलर्ट मिलने के बावजूद गोगामेडी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराने को लेकर कांग्रेस की निवर्तमान गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी का कहना है कि अब जो सरकार आई है कानून व्यवस्था को मजबूत बनाएगी, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेगी। देखिए, हमारी पहली प्रतिक्रिया ये है कि बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी उसका ये परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े। और मैंने जैसे अभी आपको कहा कि जिस तरह की कानून व्यवस्था कांग्रेस राज में रही, लचर कानून व्यवस्था, उसका ही ये परिणाम है। अब निश्चित रूप से आगे जो शासन आएगा, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहेगा और कानून व्यवस्था हम सुधारेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सरकार और अधिकारियों से कई बार सुरक्षा मांगी, उनको अनेकों बार धमकी दी गई समाजकंटकों द्वारा, वो भी हार्ड अपराधियों द्वारा। उसके बाद भी उनको सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की सरकार ने, उसका परिणाम ये हुआ कि कल उनको दिन दहाड़े उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि ऐसे जघन्यतम अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल के सीसों के पास भेजना चाहिए। कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। गहलोत साहब ने जो बयान दिया है वो बयान ऐसे समय पर नहीं देना चाहिए। सबको मिलकर ऐसे अपराधियों का इलाज करना चाहिए। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा टाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुका था, कहीं पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी। तो वो चीज़ को सही करने की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता रहेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे आम सिटीजन की बात हो, बिल्कुल रहेगी। और जिसमें मुझे लगता है जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उस समय वो उठाएंगे भी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। ये जो घटनाएँ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार में ऐसी कोई भी घटना हो।